हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू जेके करीम्स किचन। आज हम इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं बॉम्बे सैंडविच, जो सिंपल और आसानी से बनने वाली रेसिपी है। इसके लिए दो उबले हुए आलू, टमाटर, कैप्सिकम और प्याज को राउंड स्लाइसेस बना के रख लें। और अब एक मिक्सर में पुदीना, धनिया पत्ता, छोटी सी अदरक और एक हरी मिर्ची डाल लें। बच्चे हो तो ध्यान से हरी मिर्च डालिए और थोड़ा सा काला नमक, एक या दो चुटकी, और नमक अपने स्वाद अनुसार से डालिए और ग्राइंड करके साइड में रख लीजिए। अब एक सैंडविच ब्रेड पे थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर लें और अभी जो बनाया हमने हरी चटनी उसको भी डालें और स्प्रेड करें। हरी चटनी, ये ग्रीन चटनी बच गई भी तो कोई भी परेशानी नहीं है, हम फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और उस पर वेजिटेबल्स का लेयर डाल देंगे, आलू, प्याज, कैप्सिकम, टमाटर और उस पर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें। आप चाहे तो दूसरा लेयर भी डाल सकते हैं वेजिटेबल्स का। और अभी स्लाइस, चीज स्लाइस डाल दीजिए या चीज ग्रेट करके भी डाल दीजिए। अभी दूसरा ब्रेड स्लाइस लें और उस पर अच्छे से बटर स्प्रेड कर लें और हरी चटनी भी स्प्रेड कर लें। और उस ब्रेड पीसेस को कवर कर लें, ऐसे ही सारे ब्रेड पीसेस को तैयार कर लें। और अभी एक तवे पे बटर डाल दीजिए। आप सैंडविच टोस्टर में भी बना सकते हैं, तवे पे डाल के अच्छे से टोस्ट कर लीजिए। दोनों साइड ही टोस्ट कर लिए अच्छी तरीके से, ऐसे ही सारे स्लाइसेस को कर लीजिए। ये सिंपल एंड आसानी से क्विक रेसिपी है, बनने वाली रेसिपी है। और ऐसे ही सब ब्रेड स्लाइसेस को टोस्ट कर लीजिए। देखिए चीज सैंडविच, बॉम्बे सैंडविच तैयार है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।